नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो जो है एनटीपीसी एवं ग्रुप डी जैसे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में जो है करेंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वर्णन किया गया है, जो भारत में कौन कब कहाँ किस प्रकार का परिवर्तन हुआ उससे संबंधित इस वीडियो में बात की गई है। तो यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो पहला प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबड़े। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको DRDO कहा जाता है के अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रश्न के सही आंसर हैं जी सतीश रेड्डी। उसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF कहा जाता है के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो CISF के महानिदेशक कौन बने हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुनील अरोरा। उसके बाद जो है छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसे NADA कहा जाता है के अध्यक्ष कौन है। तो NADA के अध्यक्ष कौन है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नवीन अग्रवाल। उसके बाद सातवां प्रश्न दिया गया है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। उसके बाद जो है आठवां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको RBI कहा जाता है के गवर्नर कौन है। ये हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो RBI के गवर्नर कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा के के वेणुगोपाल। उसके बाद दसवां प्रश्न है, भारत के लेखा महानियंत्रक जिसको CGA कहा जाता है, तो CGA कौन है। हम प्रश्न को दो बार रिपीट कर देते हैं, तीन बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सीमा राय वर्मा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन का नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं। तो सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजीव चौधरी को। किसे बनाया गया है, तो राजीव चौधरी। उसके बाद अगला प्रश्न है, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया। तो RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माइकल पात्रा को बनाया गया है। उसके बाद
अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नंद किशोर सिंह को बनाया गया है। उसके बाद जो है 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जिसे कहा जाता है कि नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, तो ICC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्रेग बारकले। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर का, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यानी UPSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया। उसके बाद 16वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो वित्त सचिव का प्रभार जो है किसे सौंपा गया है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किए गए, यानी भारत के प्रथम लोकपाल जो हैं किसे नियुक्त किए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष को। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण अर्थात AAI के अध्यक्ष कौन बने, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरविंद सिंह। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये प्रश्न का आंसर तो शायद आप जानते ही होंगे, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। उसके बाद अगला प्रश्न है 20वां, कर्मचारी चयन आयोग अर्थात SSC के अध्यक्ष कौन है, तो SSC के अध्यक्ष जो हैं कौन हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्रिजराज शर्मा, इसके नए अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न 21वां है, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं, इसमें महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का वर्णन किया गया है, तो निश्चित रूप से वीडियो के अंत तक बने रहें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी वी श्रीनिवास। उसके बाद अगला प्रश्न है 22वां, भारत के विदेश सचिव कौन हैं, निश्चित रूप से थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। उसके बाद 23वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा JP नड्डा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा के के शर्मा। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल जिसको RPF कहा जाता है के महानिदेशक कौन हैं, RPF के महानिदेशक कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुण कुमार, ये महानिदेशक हैं RPF के। उसके बाद 26वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति विनियम जिसको SEBI यानी SEBI कहा जाता है, बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अजय त्यागी। उसके बाद
अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक जिसको SBI कहा जाता है के अध्यक्ष कौन है? तो SBI के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खरा। उसके बाद 29वां प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE कहा जाता है के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। उसके बाद 30वां प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख अर्थात वॉइस चीफ ऑफ आर्मी कौन है भारतीय सेना के उप प्रमुख? इसका सही आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद मोहंती। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विक्रमजीत सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के गृह सचिव कौन है? यदि वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि उसे भी इसकी जानकारी मिल सके। तो भारत के गृह सचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला। उसके बाद अगला प्रश्न है 33वां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको सेल कहा जाता है SAIL के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो इसका प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न के सही जवाब हो जाएंगे सोमा मंडल। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहा जाता है के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा के शिवान। हमें पूरा यकीन है। तो भारत के रक्षा सचिव कौन है? हमें पूरा यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आप सभी प्रश्नों को आसानी से याद रख सकेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत के रक्षा सचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार। उसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी इसको कहा जाता है NHAI के प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुखवीर सिंह सिंधु। उसके बाद अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आरसीपी सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय रेल निगम जिसको IOC कहा जाता है, भारतीय रेल निगम IOC के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको BCCI कहा जाता है के लोकपाल कौन है? BCCI के लोकपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DK जैन। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है, SBI कार्ड के MD और CEO कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा राम मोहन राव अमारा। उसके बाद है अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के महानिदेशक कौन हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AM A गणपति। उसके बाद जो है 42वां प्रश्न है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजीव गाबा। उसके बाद अगला प्रश्न है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद का प्रश्न है 44वां, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के नए MD तथा CEO कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जे वेंकटरमू। उसके बाद अगला प्रश्न है 45वां, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको NABARD यानी नाबार्ड कहा जाता है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंदा राजुलू चिंताला। उसके बाद 46वां प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिरीक्षक कौन है? CRPF के महानिरीक्षक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा PS रानी पासे। उसके बाद अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के अध्यक्ष कौन है? तो FICCI के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उदय शंकर। उसके बाद 48वां प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको SIDBI कहा जाता है, SIDBI, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुस्तफा। उसके बाद 49वां प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक, उस वक्त जो है महानिरीक्षक था और ये जो है महानिर्देशक हैं CRPF के, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद प्रकाश महेश्वरी। उसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 50वां, बिहार JDU के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार JDU के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उमेश कुशवाहा। तो हमें पूरा यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एक बार में इसे याद नहीं रख पाए तो निश्चित रूप से एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आसानी से सभी प्रश्न याद रह सकें, और काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार किए हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें थोड़ा सा आपका जो है सहयोग मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।